हेलो गाइस, वेलकम टू पिक वीडियो। दिस इज़ अ सेवेंथ वीडियो। जैसे कि देख रहे हो, आंखें मैं ठीक से नहीं खोल पा रहा हूँ। रीज़न क्या है? रीज़न, आई एम शूटिंग अर्ली। आज का शूट जानना है क्या? अगर आज का शूट जानना है ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आज की मॉडल से मिल लो। आज की मॉडल कौन है पता है? देखोगे मसकली उड़ मटक कली मसकली उड़ मटक कली मसकली उड़ मटक कली मसकली उड़ मटक कली जरा पंख झटक गई धूल अटक और लचक मचक के दूर भटक उड़ डगर डगर कस्बे कूचे नुक्कड़ बस्ती में मुड़ अदा से उड़ कर ले पूरी दिल की तमन्ना हवा से जुड़ अदा से उड़ फुर 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 तू हीरो बना रे मज़ा कर। इस बार शूट करते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखी जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा। मोस्ट प्रोबली सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मैं बैकग्राउंड कैसे सेट करूँगा। सो बैकग्राउंड तो तुम देख ही रहे हो, जैसे कि बैकग्राउंड है, ठीक है। और लेट्स सी, ये जो पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो, ये मैंने यूज़ करा है इस पिक में। फॉर नाउ सी द प्रोसीजर, मैंने कैसे उस चीज़ को शूट करा है, ठीक है। और या दैट्स फॉर इस बार की फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट ये था कि आई वांटेड यूज़ अ बर्ड इन अ लैंडस्केप। एक्चुअली लैंडस्केप नहीं था, अर्बन था, बट जो अभी मुझे मिला उस हिसाब से मैं इसे थोड़ा लैंडस्केप अर्बन जो भी समझ लो, ठीक है। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो सब्जेक्ट है, बीजी है, फोरग्राउंड है, वो मैच करना चाहिए। सो इस पिक में जो देखोगे बहुत कुछ मैच कर रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ मैच कर रहा है। सो लेट्स सी। और ये जो देख रहे हो ना, ये जो प्लानर है, मतलब प्लेन पे है सब्जेक्ट, ठीक है। ये जो वो ब्लर का पार्ट है, इसे थ्री लेयर फोटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। पहले तुम्हारी बैकग्राउंड आ गया, फिर फ्रंट में तुम्हारा फोरग्राउंड आ गया, बीच में तुम्हारा कहीं सब्जेक्ट आएगा, तो थ्री लेयर फोटोग्राफी कहते हैं। तो ये भी बहुत ही रिसेंटली डिस्कवर हुई है, मतलब बहुत पहले से तो नहीं हो रहा है। आई डोंट थिंक पीपल नोज दिस थिंग, ठीक है। मैंने भी रिसेंटली पढ़ा था, तो इसी के लिए मैंने ये भी ट्राई करा एक बार कि ये भी ट्राई कर लेता हूँ। और क्या, और सब बढ़िया है। मैंने प्रॉपर कॉन्सेप्ट बनाया था, या प्रॉपर कॉन्सेप्ट यही बनाया था कि एक जो व्यू होगा बर्ड का, वो बिल्डिंग्स को देखते हुए होना चाहिए। तो मैंने वैसे ही सोचा था, और शॉट्स मैंने ऐसे देखे भी हैं। तो जो इमेजिन जो मैंने करा था, वो मुझे ओपली, मेरी किस्मत अच्छी थी, वो मुझे शॉट मिला भी, ठीक है। तो उस शॉट को देखना, अगर समझ में आए तो बताना कैसा लगा, नहीं समझ में आए, अगर कॉन्सेप्ट मैं जो बता रहा हूँ वो रिलेट नहीं होगा अगर उधर, तो देन तो भी बताना क्या क्या प्रॉब्लम हुई। तो या आगे देखो, कुछ अच्छा ही होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।